अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर बशा और वेलकम टू द किचनेट। जो हम रेसिपीज बताना आपको बनाना बता रहे हैं, वन ऑफ द फेवरेट ऑल टाइम के रोजेज आर ऑलवेज इन एंड वेरी वुमेन फेवरेट थिंग। कि किस तरीके से हम हाथों को फूलों की तरह इस्तेमाल करें, उसे काफ़ी हम काम भी लेते हैं, बड़ी बुरी तरीके से इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी वी डोंट टेक केयर ऑफ देम। और काफ़ी हद तक हैंड क्रीम्स, फीट क्रीम्स मैंने आपको अपने शो पे ज़्यादा बताया है, बट आज जो स्पेसिफिकली जो मैं बताने वाली हूँ, दैट इज़ रोज़ थेरेपी कह लें या रोज़ क्रीम कह लें या रोज़ ट्रीटमेंट कह लें, तो बहुत आसान सा तरीका है। बट मेक श्योर करें कि अगर आप वीक में एटलीस्ट 3 टाइम्स इस्तेमाल करें, आइडियल फॉर, अगर फ्रेश इस्तेमाल करें तो नथिंग लाइक इट। हमने तकरीबन 2 रोजेस लिए जो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में आराम से अवेलेबल है, इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट वी आर वेरी लकी वन टू हैव ऑल द रोजेस अप हियर, यू नो वी आर लिविंग फॉर इट इन कराची स्पेशली। हमने सिंपल 2 रोजेस का हम क्रीम बनाना बताएंगे और उसके साथ हमने ग्लिसरीन इस्तेमाल करनी है। ब्लेंडर में ब्लेंड करना है। हमने इसके पेटल्स को श्रेड आउट किया, और ग्लिसरीन जो कहीं भी अवेलेबल है कोई भी केमिस्ट पे, आप तकरीबन 1, 2, almost 3 tablespoons इसमें ऐड इन किया और थोड़ा सा हमने रोज वाटर 2 tablespoons इसमें ऐड इन किया। एंड इफ यू थिंक ब्लेंडर में प्रॉब्लम हो रही है ब्लेंड करने में, सो अगेन जस्ट फॉर अ सेफ साइड हमने 3 teaspoons ऐड इन किया। तकरीबन 5 teaspoons और इसको आप ऐसे ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 to 20 minutes आपने अपने हाथों पर लगा के छोड़ना है, मेरे को वॉश इट बेहतरीन हमारा। सो हमारा बेहतरीन हैंड वॉशिंग इज रेडी। यू कुड अप्लाई एज ए ट्रीटमेंट, यानी आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा सिर्फ लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, लोग वॉश इट आउट। इससे फ़र्क ज़्यादा ये पड़ेगा कि ड्राई जो स्किन हुई भी होती है हाथों की, और जो अनइवन स्पॉट्स आ जाते हैं हाथों पे, और इवन यू कुड जस्ट अप्लाई एज ए ट्रीटमेंट, और आप 15 to 20 minutes या अगर 1 hour हैंड पे लगा के सिर्फ आपने छोड़ा इसके बाद वॉश आउट करा, तो यू वुडन हैव अ ड्राई स्किन इन स्पेशली विंटर टाइम। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, शू बाइट की। स्पेशली जहाँ पे हम नया जूता लेते हैं और पहनते हैं, उसके बाद हमें जूता काटता बहुत है, काफ़ी ब्लिस्टर्स भी हो जाते हैं, हम उसके बाद बैंडेज और क्रीम्स वगैरह लगा रहे होते हैं, बट इट्स रियली लाइक इट रियली हेल्प्स यू कि अगर आप ये वाली रेसिपी इस्तेमाल करें तो इट कैन गो अवे। बट होता ही है कि काफ़ी जलन होती है और हम अक्सर निगलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैंडेड लगा लेते हैं और लगाएगा, बट ये मार्क्स जाते नहीं हैं। सो बहुत ही आसान सा तरीका है, यू कुड डू इट एट होम, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमने लेना है टर्मरिक। टर्मरिक तकरीबन 1 teaspoon और नीम के पत्ते जो ड्राई हो आराम से लेते हैं पूरे पाकिस्तान में, तकरीबन 2 tablespoons और इसके साथ हमने रोज़ वाटर ऐड इन किया 1 tablespoon और ब्लेंडर में अब हम ब्लेंड करेंगे।
सिर्फ और सिर्फ ओवरनाइट नहीं छोड़ेंगे, हाफ एन आवर अगर आप एवरी डे लगा के इसको वॉश आउट कर लें एटलीस्ट वन मंथ तक आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो ये रही हमारी शू बाइट की रेसिपी। इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरी सिंपल, हमने नीम के पत्ते लिए और रोज़ वाटर लिया और टर्मरिक पाउडर, और इसको हमने तीनों चीज़ों को ब्लेंड में ब्लेंड किया, पेस्ट बनाया। इससे पहले रोज़ की रेसिपी थी, हमने रोज़ फ्रेश रोज़ इस्तेमाल करे, ग्लिसरीन इस्तेमाल करी और थोड़ा सा रोज़ वाटर इस्तेमाल किया, हमने पेस्ट बनाया। दैट्स अबाउट इट। द ब्यूटीफुल हैंड्स एंड फीट। सो इसके साथ ही चलते हैं।